घर बैठे अपना मनपसंद खाना मंगवाइए, फोन लगाइए, खाना मंगवाइए। मोबाइल संख्या 8884400635 7353777765। तो आज ही संपर्क कीजिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, नहमदुहु सल्लल्लाहु अला रसूल करीम। तमाम ब्रादरान को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पिछले तीन महीनों से CAA, NRC, NPR कम से कम 1,00,000 किलोमीटर दौरा करने के बाद अब पिछले 8 दिनों से यह कुदरती रेस्ट मिला है कोरोना वायरस। आप तमाम भाइयों से मेरी अपील यही है, इससे डरना नहीं है, घबराना भी नहीं है, लेकिन लापरवाही भी करना नहीं है। हमको चाहिए कि इसका एहतियात बरतें और ज्यादा से ज्यादा अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में रुजू करें, घर में रहें, फैमिली के साथ, बच्चों के साथ बैठे इज्तमाही दुआ दें और घरों के अंदर अज़ा का सिलसिला शुरू करें। कम से कम 7 अज़ा, एक आदमी अगर 7 अज़ा दे सकता है या 7 लोग मिलकर अज़ा दे सकते हैं। इससे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जितने बलाएं हैं, मुसीबतें हैं, वो घर से भागेंगे और दूर होंगी। और जिक्र अस्कार, अल्लाह की याद, नफिल नमाजें ज्यादातर करें, क्योंकि दुनिया बेहयाई की उरूज तक पहुंच चुकी है। ये बदकिस्मती है कि आज मुसलमान जिस ताकत के साथ ईमान की मजबूती थी, वो दिन ब दिन कमजोर होती गई है। ये अल्लाह की तरफ से एक सबसे बड़ा अजाब है। दो चीजें हैं, अगर कोई मुसीबत आए वो अल्लाह की तरफ अगर रुजू हो गया तो समझिए इम्तिहान है, और अल्लाह से अगर दूर रखा तो समझिए ये अजाब है। ये दोनों चीजें आज हम देख रहे हैं। एक तो जो है मस्जिदों से दूर होना पड़ रहा है, और दूसरा जो है दिलों के अंदर घबराहट परेशानी है। तो हम अल्लाह के करीब हों और अपने घर में रहें, क्योंकि कई दोस्तों ने मुझसे दरख्वास्त की थी कि आपकी तकरीरें जो है व्हाट्सएप में, यूट्यूब में वायरस हो रही हैं, एक अपील आपके तरफ से भी करें। तो हमारा फर्ज बनता है कि आप तमाम लोग घरों के अंदर रहकर जो है हाथ धोएं, पाक साफ पाकी की पाकी सफाई का एहतमाम रखें, और हाथ धोने के बजाय वजू, जब भी हाथ धोएं अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, वजू के नियत के साथ वजू करते रहें। इंशाअल्लाह अजीज ये वायरस करीब नहीं पहुंचेगा, और हर 2 घंटे में एक बार गर्म पानी पीते रहिएगा, जिससे वायरस के जो भी जरासीम हलक में है वो फेफड़ों में नहीं बल्कि सीधा पेट में जाके पेट की गर्मी से वो मर जाएंगे। कलौंजी अगर है, कलौंजी का इस्तेमाल करें, मेथी का इस्तेमाल करें, और प्याज के टुकड़ों पर जो है नमक डालकर रोज 3-4 वक्त खाएं। इससे जो है रेजिस्टेंस पावर जो है जिसम में बढ़ेगा। सबसे बड़ा हमारा रेजिस्टेंस पावर ईमान है, अल्लाह का जिक्र, जिक्रल्लाह, अल्लाह के जिक्र और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुरूद। ये अगर पढ़ते रहें, अस्तगफार करते रहें, तो इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि ये जल्द से जल्द ये कोरोना से हमको डरना नहीं है बल्कि इससे लड़ना है। हम लड़ेंगे, कामयाब होंगे, ये उम्मीद के साथ मैं आप तमाम का, मेरे लिए भी दुआ करें, दुआ में शामिल करें, उम्र दराजी के लिए, और जो हम जिस भी नाइंसाफी के खिलाफ लड़ रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं, उस आवाज उठाने की ताकत मुझे और आपको अल्लाह ताला अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।